أعوذ بالله من الشيطان المعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم my dear students. Wish you all happy and hell and hearty over there at your homes. And you are doing well in your studies. As we have finished reading the your chapter number 8, it was a story about a person who was horsing about. Means he was behaving in a silly or a noisy way. Somehow he thought he fancied himself, he imagined himself to be an expert about horses, because the topic, he was a veterinary student, he was 17 years old, and he was he had just taken a few classes and he has finished first class in veterinary. So he thought himself about being an expert. This is what led him to behave in a different or silly way. अब बिना वजह के इंसान कोई हरकत नहीं करता है, हर चीज़ के एक पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है. नाउ लेट्स डील विद द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज. एंड सम पीपल्स आई मीन सम स्टूडेंट्स वेयर कंप्लेनिंग अबाउट द लॉन्ग आंसर्स आई हैव बीन गिवन, आई हैव ऑलरेडी गिवन इन अदर पार्ट्स. इट इज़ नॉट टू मीन्स आई नोबडी वॉन्ट्स टू बॉदर यू विद यू नो ट्रबल यू विद सम longer type of works. Rather, it's the comprehension part itself is given to check how much the students had understood the topic. So try to take it from this perspective. Look at the chapter's comprehension part from this point of view, that you are that it has been given to check our own understanding, how much we have learned. So let's get started with the first one. Answer in brief you have been given here. The first question on where was the speaker studying. Ab speaker kahan pe pad raha tha, you have already known the question number one answer is I have written over here. The speaker was studying in the veterinary college, the first answer. Second question is it was asked it where was the speaker studying. Ab past continuous mein question pucha kahan pad raha tha, jawab humne kya likha, जवाब में हमने भी पास में लिख दिया पास कंटिन्यूअस. स्पीकर वॉज पढ़, वो पढ़ रहा था, वो स्टडिंग इन द वेटरनरी कॉलेज में पढ़ रहा था. अब देखना विच क्लास हैड ही जस्ट टेकन. अब ही हैड जस्ट टेकन, अब और आप इसको नेगेटिव में लिखना चाहो, अगर आप इसको क्वेश्चन में लिखना चाहो तो विच क्लास, अब विच की वजह से वेयर. अब हमने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि आपने हमको सब आपको टेंस पढ़ाया था, उसके आगे वेयर विच वाई हाउ हाउ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए. मतलब हाउ डिड यू राइट, व्हेन डिड यू राइट, वेयर डिड यू राइट. आपको अगर राइटिंग के बारे में पूछा जाए, आपको एग्जांपल में हमने ये जो पढ़ाए थे उसमें प्ले वाला खेल था, कब स्कूल जाते हो, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते थे वगैरह, इस तरह से पूछने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया और इसको ज़रा मिक्सअप कर लें तो. अगर आपको करना आया तो ठीक है. Which class had just had he just taken? उसने कौन सा क्लास अभी लिया. अब देखो past को हमने past perfect को बोला था कि past में past show करने के लिए, लेकिन अभी आप उसको independent use करते हैं तो उसमें just already वगैरह use करते हैं, तो अभी उसने ख़त्म किया था तो आपने इसका जवाब भी past perfect में लिखा है. He had just taken a class in animal husbandry. उसने अभी एक क्लास लिया हुआ है, किस लिया था, animal husbandry में. Third question, why was he so excited? अब यहाँ पे so adverb है, क्यों इतना excited, ज़्यादा excited हो गया. When he saw a द हॉर्स, अब उसने घोड़े को देखा. वाई वॉज ही सो, वो एक्साइटेड क्यों था, देखो आप क्यों था, एक्साइटेड क्यों था उसने, ठीक है. उसके बाद पूछा गया है कि व्हेन ही सो द हॉर्स, जब उसने घोड़े को देखा तो उसका जवाब देखो पास में, तो पास में लिखा है व्हेन ही सो द हॉर्स ही गॉट एक्साइटेड, गेट का पास गॉट, वो एक्साइटेड हो गया, ठीक है. बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज, पास में लिखा है, उसे एहसास हुआ दैट इट वॉज ए रियल हॉर्स, कि वो एक असली घोड़ा है, नॉट जस्ट ए पिक्चर, ना सिर्फ एक पिक्चर. ही थाउट दैट ही वुड बी एबल, अब विल बी आपको फ्यूचर में होता है, वुड बी पास के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इस काबिल होगा दैट ही वुड बी एबल टू लुक एट द हॉर्स, कि वो इस काबिल होगा कि उस घोड़े को देखें एज एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के तौर पर, कि खुद को क्या समझ रहा है, वो एक्सपर्ट समझ रहा है, एक एक्सपर्ट के तौर पर देखने के काबिल होगा. आफ्टर ऑल दैट ही हैड लर्नड दैट डे, उस दिन वो जब कुछ उसने सीखा था उसके बिना पर उसने सोचा कि मैं एक्सपर्ट के तौर पर इस घोड़े को देखूंगा. फिर नाउ यू हैव बीन आस्क्ड द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट, अब क्राउड ने कैसे रिएक्ट किया टू व्हाट द हॉर्स डिड. अब देखो बेटा हॉर्स डिड किया है, डू का पास होता है ना डिड, घोड़े ने किया, अब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
घोड़े ने किया, व्हाट द हॉर्स डिड, घोड़े ने जो किया, अब यहाँ पे व्हाट यहाँ पे जो किया है ना उस पे क्राउड ने, हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट, देखो डिड इज ए हेल्पिंग वर्ब इन दी क्या, यहाँ पे मेन वर्ब है, अब घोड़े ने क्या किया, क्राउड रिएक्ट, ये मेन वर्ब है, क्राउड ने कैसे रिएक्ट किया, अब उसका जवाब देखो, ए क्राउड सून गैदर्ड एट द प्लेस, उस जगह पे जल्दी ही क्राउड जमा हो गया, भीड़ जमा हो गया, दे वेयर स्टंट, अब दे क्राउड प्लूरल होता है तो दे लिखा है हमने, फिर वेयर लिखा है स्टंट, अब यहाँ पे ये आपको बोला था कि ये बता रहा है कि वो हैरान हो गए, टू सी, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, टू सी ए मैन, ठीक है ये इन्फिनिटिव हो गया, देखो बेटा स्टंट, वो हैरान हो गए क्यों, टू सी ए मैन, एक आदमी को देख कर, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम ए हॉर्सेस माउथ, एक घोड़े के मुंह से, एपोस्ट्रोफी है, लटका हुआ, द पीपल वेयर लुकिंग ओवर, अब देखो पीपल वेयर लुकिंग ओवर, पास कंटिन्यूअस लिखा है, वो देख रहे थे, ओवर ईच अदर, ए ईच अदर्स शोल्डर, एक दूसरे के, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी, एक दूसरे के शोल्डर्स के ऊपर बैठ कर देख रहे थे, फिर क्या लिखा है, ठीक है आगे लिखा है उसने, ठीक है शोल्डर्स, ठीक है, वाइल सम वेयर ट्राइंग, अब उनमें से कुछ जो क्राउड है वो ट्राई कर रहे थे, पास कंटिन्यूअस है, फिर से देखो, वे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, अब टू फाइंड आउट फिर से इन्फिनिटिव यूज़ किया, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था वहाँ पे, तो ये पता करने की कोशिश करता है, ये हो गया, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर, अब क्योंकि प्रेजेंट में पूछा है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डस यूज़ किया है, डिड ऊपर था यहाँ डस यूज़ किया, एंड अप, एंड अप मतलब होता है फिनिश्ड या फाइनली बी, आखिरकार कहाँ पहुँचता है, अप इन द गटर, आखिर में ये गटर में कैसे पहुँचा, आफ्टर हैंगिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मुँह घोड़े के मुंह से लटकने के बाद ये गटर में कैसे पहुंचा आखिर में, द कॉलमैन गेट्स, आप देखो सिंपल प्रेजेंट में है तो कॉलमैन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो गेट पे एस लगाया, ठीक है, गेट्स द हॉर्स टू ड्रॉप द स्पीकर, कॉलमैन ने उस घोड़े को ऑर्डर करवाया, उससे ये काम करवाया कि वो ड्रॉप करे, हॉर्स टू ड्रॉप, गिरा दे, तो इन्फिनिटिव यूज किया, देखो द स्पीकर, स्पीकर को गिरा दे, एंड दस ही एंड्स अप, इसलिए देखो ही थर्ड पर्सन है तो एंड पे फिर से एस लगाए, ही एंड्स अप, वो फिनिश होता है फाइनल फॉलिंग इन द गटर, आखिरकार वो फाइनली कहाँ पे गिरता है, गटर में गिरता है, इस तरह से, ठीक है, अब सेकंड बी पार्ट में क्या पूछा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन है, यू हैव बिन गिवन सम लाइन्स ना, आपको कुछ लाइन्स दिए गए एंड यू हैव बिन आस्क टू गिव द आंसर्स, तो पहला पूछा है, द कॉलमैन टर्न टू द हॉर्स, हॉर्स गोड़ा ड्रॉप हिम यू बिग लग, गो ऑन लेट गो, ड्रॉप हिम, गेटिंग नो रिस्पॉन्स, ही पोक्ड इन एनिमल्स बेली, ही पोक्ड द एनिमल्स बेली, वो बेली यानी स्टोमक पे वो पोक करता है, यानी हाथ से चुभोता है विथ हिज थंब, तो इसका आंसर देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द कॉलमैन ट्राई टू गेट द हॉर्स टू ड्रॉप द स्पीकर, ठीक है, किस तरह से दो तरीकों से उसने घोड़े से कॉलमैन को, कॉलमैन ने स्पीकर को छुड़वाया है, उसको मुंह से गिरवाया, तो देखो द कॉलमैन टर्न इट टू द हॉर्स, घोड़े की तरफ मुड़ता है एंड डायरेक्टेड हिम, सबसे पहले टू ड्रॉप द स्पीकर, तो ये पास में पूछा है तो पास में पहले मुड़ा, टर्न इट वो आपका फर्स्ट सेकंड यूज किया, द हॉर्स घोड़े की तरफ मुड़ा एंड डायरेक्टेड, और उसे हिदायत दिया, ऑर्डर किया टू ड्रॉप द स्पीकर, टू ड्रॉप, ये देखो फिर इन्फिनिटिव यूज किया, ठीक है टू ड्रॉप द स्पीकर, फिर क्या बोला, व्हेन ही गॉट नो रिस्पॉन्स, देखो ही गॉट गेट का पास फिर से यूज किया, उसको जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ही पोक्ड, पास में वो आपका फर्स्ट यूज किया, सेकंड यूज किया, उसने चुभोया द हॉर्सेज बेली विथ हिज थम, अपने थम से ऐसे उसके पेड़ में से उंगली चुबो दिया था, थम चुबो दिया था, अंगूठा, तो उसने गिरा दिया था, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स डू यू थिंक द कॉलमैन हैज विथ हिज हॉर्स, अब देखो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू थिंक, आपके यहाँ पे डू यूज़ किया हुआ है क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहे, तो मैंने बोला था डू यूज़ करते हैं, डू यू थिंक, आप सोचते हो द कॉलमैन हैज, अब देखो कॉलमैन के पास है, कैसा रिलेशनशिप विथ हिज हॉर्स, कैसा रिलेशनशिप उसके पास है, तो इसका जवाब है द कॉलमैन एंड हिज हॉर्स सीम, क्योंकि आप दो की बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो गया, कॉलमैन और घोड़ा जो है तो वो आपका फर्स्ट यूज के, सीम टू हैव इन्फिनेटिव है, देखो ऐसा लगता है उनके पास है ए गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप है, फिर डैश लगाकर ये यूज किया क्योंकि हमने जम किया है, इट इज़ फ्रेंडली, ऐसा लगता है कि वो बहुत दोस्ताना है, एज द हॉर्स ओबेज, फिर से सॉरी दिखा एपोस्ट्रोफी इज मीन दिखा एज इन सी के वॉक पे एस लगा हुआ है, ओबेज द कॉलमैन, कॉलमैन को क्या करता है, ओबे करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में पूछा है, वंस क्लियर आई स्टार्टेड टू वॉक रैपिडली, सेकंड पार्ट जो है इसमें बोला कि एक बार जब मैंने क्राउड को इधर उधर कर लिया, मैं तेजी से भागना शुरू कर दिया, एज आई टर्न एट द कॉर्नर द लास्ट फैन शाउट फ्रॉम द कॉलमैन रीच इट मी, आखिरी चीख मुझ तक पहुंची, जो कमजोर चीख थी उसका मेरा पहुंचा, देन अ मेडल विथ थिंग्स ये कैन नथिंग अबाउट,
तो ये बोला था कि डोंट मेडल विद थिंग्स यू नो नथिंग अबाउट, ये पूछ उसकी आखिरी जो कॉलमैन की चीख थी वो उस तक पहुंची। उसमें क्या पहुंचा? तो पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाई डज द स्पीकर, अब देखो व्हाई डज द स्पीकर, फिर से डज यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन की बात करें, वॉक अवे रैपिडली, अब देखो वॉक पे इस नहीं लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, डज द स्पीकर वॉक अवे रैपिडली, तेजी से भाग गया। तो ये देखो इसका जवाब देखो, द स्पीकर वॉक्स अवे, अब हमने जब आंसर लिखा तो एस लगा क्योंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वॉक्स अवे रैपिडली, तेजी से भागता है, बिकॉज द कॉलमैन थ्रेटन्ड हिम, कॉलमैन ने क्या किया था, उसको डराया था, ही थॉट, अब इसने सोचा, ठीक है, इस स्पीकर ने सोचा दैट ही माइट एंड अप, वो देखो एंड अप, माइट एंड अप क्योंकि प्लूरल है, सॉरी मॉडल है, इसलिए एंड अप पे कुछ नहीं लगा है, ही माइट एंड अप, उसे लगा कि ऐसा हो जाएगा कि आखिरकार वो कहाँ पहुँचेगा, इन द स्टेशन, फाइनली बोला था ना एंड अप, तो फाइनली रीच इन द स्टेशन एंड पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, इसलिए उसने क्या किया, पुश्ड हिज वे, रखो उसने धक्का मारकर अपना रास्ता बनाया क्राउड के बीच में से, ही वॉज ऑल्सो ए लिटिल एम्बरेस्ड, वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो गया था क्योंकि खोज खुरा एक्सपर्ट सम खुरा खुरा खल बख, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा बी पार्ट में, हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फेल्ट व्हेन ही हर्ड द कॉलमैन्स लास्ट वर्ड टू हिम, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, देखो फिर से डू यू किया, पहले डज यू किया, डज ही किया था, तो यह सिखाया था आपको ये कैसे यूज करते हैं, डू यू थिंक, आपको लगता है कि द स्पीकर फेल्ट, उसे स्पीकर को महसूस हुआ होगा, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना द कॉलमैन्स लास्ट वर्ड्स टू हिम, आखिरी जो अल्फाज उसने बोला, तो द स्पीकर मस्ट हैव फेल्ट, मस्ट का कोई प्रेजेंट पास नहीं होता, ये आप प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, पास में भी, मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, फेल्ट यानी वो आपका थॉट, उसे ज़रूर ऐसा लगा होगा, फ्राइटन डरा हुआ डर महसूस हुआ होगा, एंड ह्यूमिलिएटेड और शर्मिंदगी महसूस हुआ होगा, especially fancied himself, especially when he, तो ठीक है, when he fancied, यानी fancied क्या हुआ, imagined हुआ, fancy मतलब खुद सोचने लगा था, तो इमेजिन किया, इस्पेशली वेन ही फैंसीड हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट विथ हॉर्सेज बिफोर, जब उसने पहले खुद को क्या समझ लिया था, एक एक्सपर्ट समझा था खुद को कि वो घोड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ये खुद उसने अपने बारे में सोचा। होप यू गॉट इट, इफ़ यू हैव इफ समबडी हैज़ एनी स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो बाय वट एवर वे कन्वीनियंट टू यू, ठीक है, सो वी विल कीप इट हियर, वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।